बारे दिगर खुश आमदेद कहते हैं आपको नाजरीन, आप देख रहे हैं खुशबू रमज़ान, जिसमें मैं हूं आपका मेज़बान यासिर अली। इफ्तार की नशरियात जारी हैं। वक्फे के बाद हमें हमारे अल्लामा साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि सहरी में भी हमारे साथ थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं प्रोफेसर अल्लामा हफीज़ुल्लाह फारूकी साहब। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। आप रहनुमा हैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल के, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है, और बैनुल मज़ाहिब बैनुल मसालिक आप मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में तकरीबात में शरीक होते हैं, और अल्लाह ताला ने इनको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से मुअत्तर और मुअम्मर कर रखा है। आप हमारे साथ महबूब गुफ्तगू रहेंगे। अल्लामा साहब आप तशरीफ लाए, आपका बहुत सारा शुक्रिया। सवाल ये है मेरा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली इफ्तारी है और हमने रोजा रखा, पहला रोजा है, तो रोजे की एहतियात क्या है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालिक कायनात का फजल है कि रब्बुल आलमीन ने हमारी जिंदगी में एक मरतबा फिर माह मुकद्दस माह रमजानुल मुबारक हमें देखना नसीब फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हम रब्बुल आलमीन का जितना शुक्र अदा करें कम है। आज सारा दिन गहमा गहमी देखी गई कि लोग अहले ईमान खुशी से बहुत ही खुश नजर आए कि उनके दिलों में मोहब्बत है, उनके दिलों में ईमान आज भी मौजूद है, और उसी ईमान की बदौलत बड़ों से लेकर छोटों तक, मर्दों से लेकर औरतों तक, हर एक के दिल में एक ही वलवला है। चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे वबा ने हमें चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाहुल अजीज हम माहे मुकद्दस माहे रमजानुल मुबारक को पूरे तरीके से गुजारेंगे, और उसकी एहतियात हमने ये करनी है कि हम एहतियात, चूंकि खुशबू रमजान की आज इफ्तारी की पहली ट्रांसमिशन है, तो उसमें मैं अपने नाजरीन से यही कहूंगा कि एहतियात ये है कि हम रोजे को रोजा समझ कर गुजारें। रोजा समझ कर गुजारने का यासर भाई मतलब क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा जब तुमने रख लिया तो ये सिर्फ खाने और पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि रोजा तुम्हारी आंख का भी रोजा है, तुम्हारे कानों का भी रोजा है, तुम्हारी जुबान का भी रोजा है, तुम्हारे हाथों का भी रोजा है, तुम्हारे पाँव का भी रोजा है। सर से लेकर पाँव तक पूरे वजूद को हम जब रोजे में रखेंगे, वो रोजा हमें जहन्नम से नजात का जरिया बन जाएगा। अब उसकी मिसाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत हाजिर खिदमत हुई, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने रोजा रखा हुआ है? अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने रोजा रखा हुआ है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने कुछ खाया है? अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं खाया, मैं तो रोजे से हूँ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने हलक में उंगली डालो और उल्टी कै करो। तो उसने जब कै की तो उसमें से खून के लोथड़े निकले। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू तो कह रही मैंने कुछ नहीं खाया? अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कुछ नहीं खाया। फरमाया तूने किसी अपने भाई या बहन की चुगली की है, उसकी वजह से जो चुगली करता है वो मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। तो इसलिए हमें यही करना पड़ेगा कि हम अपनी जुबान का भी रोजा रखें, हाथ का भी रोजा रखें, पाँव का भी रोजा रखें, सर से लेकर पाँव तक पूरे वजूद का रोजा रखेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए जरिया रोजे की रूह है। असली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यह है रोजे की एहतियात और रोजे का मकाम और रोजे की असल रूह। नाज़रीन कराम, हम अपने खूबसूरत मेहमान की जानिब बढ़ते हैं जो कि हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं, पहले भी हम इनसे नाज सुन चुके हैं, अब एक कलाम और इनसे सुनेंगे। मोहम्मद नकाश अमीनी साहब जी, अब क्या पेश फरमा रहे हैं नकाश भाई? अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये हसनैन और सैयदा है, इस घराने में मुश्किल खुशा है। लब है तज करे पर जितन के
पर जतन के फूल महके है मेरे चम के ऐसा उल्के करम ने नवाजा ऐसा उल्के करम ने नवाजा अपनी किस्मत दिल झूमता है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वरा उल वरा है। माशाल्लाह ये थे मोहम्मद नकाश अमीनी साहब बहुत खूबसूरत लबुल लहजे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की बारगाह में नजराना अकीदत व मोहब्बत व मवद्दत पेश फरमा रहे थे। हमारे साथ तशरीफ फरमाए हैं कारी एहतशामुल हक नक्शबंदी साहब। कारी साहब आज क्या पेश फरमा रहे हैं आप? तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे। और बहुत खूबसूरत शेर यासर भाई, मैं आपकी नजर करता हूँ, अहले इल्म है के करीम अजीम दादा के दर पे कोई कमी नहीं है, करीम अजीम दादा के दर पे कोई कमी नहीं है, आओ आंसू बहा के मांगो, तो आओ आंसू बहा के मांगो, बस हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे। रमदान के हवाला से एक खूबसूरत शेर हुजूर की बारगाह मांगना है, तो मांग का सलीका क्या है? दुरूद लब पर करीम अजीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है, तो आओ आंसू बहा के मांगो, तो आओ आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे। सुभाना जी, तो अब एक छोटे वक्फे की जानिब बढ़ते हैं और इस पुरनूर महफ को यही इन लम्हात को रोकते हैं इफ्तार ट्रांसमिशन में। मैं आपकी मेजबान इमान और आप देख रहे हैं खुशबूए रमजान। हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।